हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इसमें रीजनिंग। रीजनिंग के इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम इसमें रीजनिंग में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली आकृति ज्ञात करना। यानी कि हमें, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 आकृति दे रखी हैं और यहाँ क्वेश्चन वर्ड दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। अब इन चारों में से जौन सा भी उत्तर यहाँ पर आएगा उसे हमें चूज करना है, ठीक है। एक तरह से चारों आंसर्स में से एक आंसर हमें चूज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, आपको यहाँ पर देखेंगे हम कि इसमें जो आईज हैं इसकी, एक मिनट, इसमें जो आईज हैं उस पर गौर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो राइट हैंड साइड की तरफ जो आईज है उसमें ऊपर वाला भाग जो है वो काला हो रहा है और इसमें नीचे वाला भाग काला हो रहा है, ठीक। और इस वाले में ये पलट गई हैं और इसमें जो भाग है वो भी पलट गया है। यानी कि ऊपर वाला भाग, इसमें ऊपर वाला भाग था तो नीचे आके वो नीचे वाला हो गया है, ठीक है। ऐसी जब ये एक बार इधर पलटी है, फिर एक बार दाईं तरफ पलटी है, अब कौन सी तरफ की बारी आएगी, बाईं तरफ की। यानी कि ये वाला आंसर हमारा ठीक होगा और ये वाले में से कोई सा एक ठीक है, ठीक है। या तो ये वाला ठीक है या फिर ये वाला ठीक है, क्योंकि इसकी ऊपर के बाद नीचे, फिर दाएँ की बाद फिर बारी आएगी बाएँ की तरफ की। अब बाएँ की तरफ में भी जब देखिए, हमेशा जो आँखें हैं इसकी वो एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों आँखें ऊपर है तो ये वाला आंसर ठीक नहीं होगा। तो आंसर कौन सा ठीक होगा इसका, ये वाला, ठीक है। तो कौन सा हमारा उत्तर आया इस सवाल का, डी वाला। तो हम यहाँ पर डी वाले पर निशान भर देंगे। क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए, इस तरह की हमारी जो शुरू वाली जो हमारी आकृति है वो इस तरह की है। अब इस आकृति में क्या बदलाव हो रहे हैं वो हम देखेंगे। देखिए, बदलाव पहली बार में ये हो रहा है कि इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है वो दाईं तरफ जा रहा है, ये वाला देखिए, ठीक है। और दूसरी बार में बदलाव ये हो रहा है कि इस बार ये तीर वाला हिस्सा दाईं तरफ जा रहा है। अब तीसरी बार में बदलाव ये होगा कि ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इधर आएगा, ठीक है। एक बार ये गया है इधर, फिर ये गया है, अब इसकी बारी है। ये सीधे हमारे घड़ी की जो चाल होती है उस दिशा में चल रहे हैं, जैसे कहते हैं क्लॉक वाइज। हम घड़ी की चाल की दिशा में ही ये आकृतियाँ चल रही है। पहले ये वाली चली है, फिर ये वाली चली है, अब ये वाली चलेगी। तो यहाँ तक आकृति बनने के बाद ये वाला जो हिस्सा ये थोड़ा इधर आ जाएगा बस, तो हमारा ये वाला आंसर इसका ठीक होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में हम देखेंगे कि ये वाली हमारी शुरुआती आकृति है, ठीक है। इस तरह से आकृति है और दो हमारे एरो बन रहे हैं, ये रहे, देख रहे हैं। दूसरी आकृति में ये आकृति अब हमारी पलटकर हो गई है ऐसे, फिर हो गई है ऐसे, और अब बारी कैसे आएगी इसकी, ऊपर की तरफ। आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले ये हमारी ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो अब हो जाएगी ये इस तरीके से। और तीर के निशान हमेशा बाहर की तरफ रहेंगे, यानी कि ये आकृति हमारी उत्तर होगी। छांट लेंगे इसमें से कौन सा है, तो ये वाला हमारा इसका उत्तर सही है, सी वाला, ठीक है। अब चलते हैं डी वाले की तरफ। डी वाला क्या है, हमारी ये वाली शुरुआती आकृति है। देखिए, ये दूसरी बार में क्या हुआ है कि ये वाला एक हिस्सा कम हो गया है, ये वाला हो गया ना यहाँ से कम। तीसरी बार में क्या हुआ है इसमें से कि एक हिस्सा और कम हो गया है। अब चौथी बार में क्या होगा, ये वाला हिस्सा भी गायब हो जाएगा, यानी कि केवल जो हमारा आंसर आएगा वो इसे भी गायब करके आएगा, यानी कि केवल 1 2 3 4 होंगे उसमें, यानी कि हमारा ये वाला आंसर सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला सवाल है ओ एनी वन, ये तो काफ़ी आसान सा लग रहा है, ओ एनी वन टी डब्ल्यू 3 5। तो 1 3 5 5 के बाद, यानी कि 1 1 का गैप लेके गलत, 1 3 5 के बाद क्या आएगा, 7। तो इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 वाला, ठीक है। ये काफ़ी आसान था। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। आगे है वायलेट इंडिगो ग्रीन, वायलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन ही वायलेट इंडिगो ब्लू। तो ये हमारे जो है विवग्योर, आपने सुना होगा VIBGYOR, इंद्रधनुष के रंग होते हैं ये। वी मतलब वायलेट, इंडिगो ब्लू, और ब्लू के बाद फिर किसका नंबर आ रहा है हमारा, ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो विब ग्योर अगर आपको याद है तो इसका उत्तर आएगा हमारा ग्रीन वाला, ठीक। अगला है हमारा, ये हमारी एक शुरुआती आकृति है, घड़ी की तरह दे रखी है, 3 बज रहे हैं इसमें घड़ी के हिसाब से। अगली आकृति में बज रहे हैं 4:15, 4:15। अगली आकृति में बज रहे हैं 5:30, यानी कि हर बार 1 घंटा 15 मिनट वो आगे जा रहा है। 3 बजे थे शुरुआती आकृति में, फिर 1 घंटा 15 मिनट जोड़े तो बज के 4:15, फिर बज के 5:30, और अब बज जाएंगे 1 घंटा 15 मिनट जोड़ के 6:45।
तो 6 घंटे 45 मिनट मतलब 7:45 किस घड़ी में बज रहे हैं, इस वाली घड़ी में हमारा 7:45 बज रहा है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, ये हमारे रोमन अंक लिखे हुए हैं, हमने पहले तो साधारण संख्या में कन्वर्ट करेंगे, आपको रोमन अंक आते होंगे। ये हमारा है 39, ये हमारा है 44 और ये हमारा है 54। तो हम देखेंगे इनमें गैप कितना है। देखिए यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है, तो आगे वाली संख्या में आएगा 15 का गैप, 5, 10, 15, तो 54 और 15 हो जाएंगे 69। तो अब हमें इनमें से चुनना है कि 69 कौन सा है। देखिए 69 हमारा होगा इनमें से 10, 50, 60 और 69, तो ये सी वाला आंसर हमारा सही है। रोमन अंक अगर आपको आते हैं तो आप ये सवाल आसानी से कर देंगे। अगला है, एक वृत्त बना हुआ है और इसमें देखेंगे कि ये शुरुआती आकृति है हमारी, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, ये आकृति हमारी दाईं तरफ ऐसे घूम गई है, यानी कि इस तरीके से ये रोटेट हो गई है, घूम गई है, तो ये हिस्सा ऊपर चला गया। अगली बार में ये आकृति फिर इस तरीके से घूम गई है, तो अगली बार में ये वाला हिस्सा जाएगा ऊपर और ये इसके साथ चलेगा, यानी कि हमारा ये वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, ये आकृति हमारी घड़ी की दिशा में घूम रही है। अगला है हमारा, इसमें दो हमारे तीर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें तीरों में क्या परिवर्तन, ये हमारी शुरुआती आकृति है, अब तीरों में क्या परिवर्तन हुए वो देखेंगे। देखिए तीरों में ये परिवर्तन हुए, जो ऊपर वाला तीर है हमारा वो तो 90 डिग्री घूम रहा है सीधे, वो भी इस दिशा में, और जो नीचे वाला तीर है ये वाला, ये घूम रहा है 45 डिग्री, वो भी इस दिशा में, ये इसमें हमें देखना है। 90 डिग्री का कोण पूरा सीधा होता है और 45 डिग्री का कोण इस तरीके से बनेगा इसका आधा। तो हम गौर करेंगे, देखिए ऊपर वाला तीर हमारा 90 डिग्री घूम के यहाँ से और ये आ गया यहाँ पर, देखिए ये रहा, और ये इस दिशा में घूम रहा है उल्टा 45 डिग्री पे। ठीक, अगली वाली आकृति में ये 90 डिग्री और घूमा ये वाला, तो ये आ गया नीचे, ये रहा यहाँ पर, और ये वाला 45 डिग्री घूम के अब ये आ गया यहाँ पर। आगे वाली आकृति में ये 90 डिग्री इधर घूमेगा, यानी कि ये तीर तो इधर आ जाएगा, यानी कि ये वाला उत्तर सही है या फिर ये वाला सही है, और दूसरा वाला जो तीर है वो आ जाएगा 45 डिग्री इधर, यानी कि ये इधर और ये इधर आ जाएगा, तो हमारा उत्तर ये वाला सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें हमारी ये शुरुआती आकृति दे रखी है, इसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजाओं वाला ये अष्टभुज है, ऊपर यहाँ पर ये निशान भी गौर करना है और ये इसके साथ एक बिंदु लगा हुआ है। अगली आकृति में क्या परिवर्तन हुआ है हमारा, उस पर गौर करते हैं। अगली आकृति में हमारा ये पूरा रोटेट हुआ है, इसके साथ जो निशान है वो इधर आ गया है, ये वाला निशान इधर चला गया है और ये भुजा इधर आ गई, यानी कि दो स्थान छोड़ रही है इस तरफ भुजा और बिंदु एक स्थान राइट तरफ जा रहा है, ये आपको बस देखना है। ये जो है एक स्थान छोड़ के इधर आया है, तो एक स्थान छोड़ के ये इधर आ गया, देखिए अब एक स्थान बाद ये लगेगा यहाँ पर इस वाली भुजा पर और बिंदु लगेगा यहाँ पर, बिंदु केवल एक स्थान जा रहा है और ये दो स्थान जा रहा है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, हमारा ये वाला उत्तर सही है। समझा आपने, दोबारा बताता हूँ, ये जो ऊपर वाली रेखा खींच रही है हमारी इस सवाल में, ये वाली रेखा, ये हमारी जा रही है दो स्थान, यानी कि एक स्थान छोड़ के इस तरफ और बिंदु जा रहा है हर बार इस तरफ, और इसमें कोई नई बात नहीं है। अगला है सवाल है, इसमें ये शुरुआती आकृति दे रखी है, अब ये शुरुआती आकृति हमारी देखिए हर बार 45 डिग्री इस तरफ घूम रही है, वामावर्त दिशा में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। तो देखिए पहली बार में ये 45 डिग्री घूमी तो ये होगी सीधी, फिर दूसरी बार में जब ये घूमी तो ये हमारी हो जाएगी टेढ़ी, अब तीसरी बार में दोबारा घूमेगी तो ये फिर सीधी हो जाएगी, इस तरीके से ये वाला आंसर हमारा इसका सही होगा। अगला सवाल है, इसमें ये हमारी शुरुआती आकृति दे रखी है, ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति में देखेंगे क्या बदलाव हो रहा है। देखिए ऊपर वाली आकृति सबसे नीचे वाली आकृति देखेंगे तो ये तो आपस में पूरा उल्ट पल्ट हो रही है, ऊपर वाला नीचे आया हिस्सा फिर नीचे वाला ऊपर, तो अगली बार में ये वाला हिस्सा दोबारा से आ जाएगा, कौन सा, ये वाला हिस्सा, तो कौन से विकल्प में ये वाला हिस्सा है, इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में से ही कोई सा एक उत्तर सही होगा, वो ऊपर वालों से पता करेंगे। अब ऊपर वाले में देखेंगे तो ये जो बीच वाला है ये हमारा पहले ऐसे है, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया और अब ये ऐसे होगा, तो बी और सी वाले में कौन से वाले में ऐसे, यानी कि इन दोनों में ही ऐसे है ये। आप सबसे ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे, इस वाले को, इसमें तीर का निशान पहले नीचे है हमारा, उसके बाद ये घूमा है इस तरफ, ठीक है, उसके बाद ये घूमा है इस तरफ और अब ये आ जाएगा ऐसे, ये हमारा 90 से भी ज़्यादा डिग्री का कोण घूमा है, ये 120 डिग्री के कोण पर, 135 डिग्री का कोण घूमा है, ये 135 डिग्री का कोण घूम रहा है ये, वो भी इस दिशा में, तीर का निशान, ये पूरी ही आकृति, तो ये एक बार इधर घूमी,
फिर इधर घूमी और दोबारा 135 में ये इधर आएगी। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा वो हमारा इन दोनों विकल्पों में से कोई सा एक उत्तर सही है, और तीर के निशान के हिसाब से हमारा जो बिंदु है वो इसके साथ ही आएगा, इसके साथ वाला नहीं है, इसके अपोजिट की तरफ नहीं है, तो ये वाला हिस्सा हमारा सही होगा, उत्तर हमारा ये है डी वाला। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, ये आकृति दे रखी है हमें, शुरुआती आकृति कहेंगे हम इसे, इसी आकृति में देखेंगे क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसी हिसाब से हम आगे करेंगे। तो ये जो आकृति हम देखेंगे इस उल्टी दिशा में हमारा जा रहा है, कितने स्थान, एक दो, एक और दो सीधा आ गया, फिर दो स्थान इधर, एक दो, और साथ ही साथ इसका जो वो जो पॉइंट है वो सेम रह रहा है। तो इस बार दो स्थान घूम के ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगा ऊपर, तो इस तरीके से ऊपर ये हमारा इस वाले उसमें है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगली आकृति है हमारी, इसमें ये हमारी शुरुआती आकृति है, दूसरी आकृति हम देखेंगे इसमें तो क्या है कि तीर का निशान तो हमारा एक स्थान इधर चला गया है और ये बिंदु इधर आ गया, यानी कि तीर का निशान तो इधर जा रहा है और ये जो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा इधर की तरफ आ रहा है, इस तरफ, यानी कि तीर जा रहा है इस तरफ और ये आ रहा है इस तरफ। तो तीर एक बार इधर था, इधर था, इधर, अब तीर आ जाएगा इस तरफ। तो इसमें कौन सा, इसमें से या इसमें से कोई सा एक विकल्प सही है, और ये इधर है ये वाला हिस्सा, तो अब ये आ जाएगा इधर, यानी कि तीर इधर और ये वाला हिस्सा इधर, कौन से विकल्प में सही आ रहा है, इस वाले विकल्प में ये सही है, तो डी वाला हमारा उत्तर, सी वाला हमारा इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं, ये हमारी शुरुआती आकृति है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि इस आकृति में ये आकृति भी इस दिशा में घूम गई है, सीधी हो गई है, मतलब समझ लेंगे लगभग 30 डिग्री है, 45 तो नहीं कहेंगे, या 45 मान लीजिए, इसमें कोण तो नापा नहीं जा रहा है, पर ये पहले इस तरह के से थी, फिर इस तरीके से हो गई, फिर इस तरीके से है, अब ये इस तरफ सीधी हो जाएगी, यानी कि इस वाले विकल्प में से और इस वाले विकल्प में से कोई सा एक हमारा ठीक है, वो पता पड़ेगा रेखाओं से। पहले इसमें एक रेखा थी, फिर एक छोटी आ गई, फिर एक बड़ी आ गई, फिर एक छोटी आएगी, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा, बड़ी, छोटी, बड़ी, फिर छोटी। अगला है हमारा, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के शीर्ष पर लगा हुआ है इस पर एक बिंदु, फिर ये त्रिभुज हमारा कितने डिग्री घूमा, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, उसके बाद ये पूरा 90 से भी ज़्यादा 120 डिग्री घूमा है, फिर ये दोबारा से घूमा है इस तरफ, और अब ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधा से भी टेढ़ा, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। अगला है हमारा, यहाँ देखेंगे हम, इसमें भजी बनी हुई है 6 भुजाएँ, इसमें बनी हुई है 4 भुजाएँ, इसमें बनी हुई है 3 भुजाएँ, तो 4 भुजाएँ, इसमें 3 भुजाएँ वाला ठीक होगा, ये हमारा षटभुज है, पंचभुज है, चतुर्भुज है, तो ये हमारा त्रिभुज अब ठीक होगा, ठीक। अगले वाले में देखेंगे हम, इस आकृति को शुरुआती आकृति है, अब ये आकृति हमारी पूरी जितने डिग्री पर बनी हुई है उसमें से सीधी हो गई एक बार, फिर दोबारा टेढ़ी हो गई, और अब ये फिर सीधी हो जाएगी, यानी कि ये जितने भी डिग्री का एंगल बन रहा है, शायद 30 डिग्री का एंगल घूम रही है इस तरफ, एग्जैक्ट एंगल तो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, पर 30 डिग्री का एंगल घूम रही है ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये वाला आंसर हमारा इसका इस बार, ये वाला उत्तर हमारा इसका ठीक होगा। अगला हमारा गिनती पर आधारित है, देखिए 3, 5, 20 और 30, अब ये किस तरीके से देखा वो बताता हूँ। देखिए 3 भुजाएँ हैं, 4 से गुणा करिए 12 आ गया, अगले बारे में 4 भुजाएँ हैं, 5 से गुणा करिए 20, यानी कि जितनी भुजाएँ हैं उससे एक अगली संख्या से गुणा करने पर, यहाँ अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 भुजाएँ हैं, 6 से गुणा करिए 30 आ गया, तो अगला वाला होगा 6 भुजाएँ और 7 से गुणा करके 42, तो 42 जहाँ लिख रहा होगा वो आंसर हमारा सही होगा, जिसमें 6 भुजाएँ भी होंगी, तो ये वाला उत्तर हमारा इसका सही है। आगे चलते हैं, अब देखेंगे इस आकृति को शुरुआती आकृति है, इसमें हमारे कुछ ग्रिड बने हुए हैं, पहले वाले में एक ग्रिड पूरा भर रहा है, दूसरे में 2 भर रहे हैं, इसमें 3, तो अब 4 ग्रिड इसमें भर रहे होंगे, वो उत्तर ठीक होगा हमारा, ये वाला, ये आसान है काफ़ी। अगला देखते हैं, अगला है इस आकृति में देखेंगे तो हमारा इस तरफ जो है एक निशान बना हुआ है और गोला इस तरफ है, अगली आकृति में ऊपर भी निशान बन गया और गोला ऊपर पहुंच गया, अगली आकृति में इस तरफ बन गया और गोला इधर पहुंच गया है, अब जो हमारा क्या बनेगा, जैसे ये आकृति है तो अब इस तरफ निशान बनेगा हमारा यूं करके और गोला पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पर, तो इस आकृति का जो भी इसमें विकल्प है वो हमारा ठीक होगा, तो इस आकृति वाला विकल्प हमारा देखेंगे हम तो ये वाला विकल्प हमारा सही है। अगली आकृति है हमारी, ये इस तरह की आकृति है,
और यहाँ तीर का निशान बना हुआ है, ठीक है। अब इस तीर के निशान को हमने यहाँ ला दिया है यहाँ पर अगली बार में, फिर आ गया ये यहाँ पर, अगली बार में ये पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वाला जो भी आंसर होगा वो हमारा सही होगा, और ये हमारे इसके सीट्स पर है तो हमारा इसका उत्तर लग रहा है ये वाला सही है। अगला है हमारा बराबर आर और प्लस, आर प्लस बराबर आर, इधर की चीज़ें बदल रही हैं, चीज वही चीज़ है, प्लस है आर है बराबर है। अगली बार में क्या हुआ है, आर ऊपर पहुंच गया यानी कि, और बराबर नीचे आ गया है, उससे अगली बार में क्या हुआ, बराबर नीचे आ गया, यानी कि इनमें बदलाव क्या हो रहा है वो गौर करेंगे। प्लस एक स्थान पहले ऊपर गया है, ठीक है, तो आर भी ऊपर गया, ये नीचे उतर के आ गया, यानी कि ये ऊपर खिसक रहा है एक स्थान, यानी कि अगली लाइन में बराबर ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा और आर बीच में, यहाँ आ जाएगा बराबर, यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा आर, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। तो आर प्लस बराबर ये वाला उत्तर हमारा सही है। अगला जो सवाल है उसमें है एक चतुर्भुज बना हुआ है, दो विकर्ण और दो इसमें बिंदियां हैं, और ये एक बार बिंदी इस तरफ है उस तरफ है, अब देखें किस तरफ आएगी, यहाँ पर है बिंदी, अगली लाइन में यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर देखेंगे इसमें से कौन सा ठीक आ रहा है, ये वाला आंसर हमारा सही है, यानी कि एक एक स्थान ये राइट तरफ बढ़ रही है, पहले यहाँ बढ़ गया इधर, फिर ये इधर बढ़ गई है, पर इसमें बदलाव हो रहा है एक थोड़ा सा, वो हमने गौर नहीं किया। बदलाव इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहली लाइन में ये काला बिंदा इधर ही है, ये वाली बिंदी इधर हुई है, ये वाली बिंदी इधर आई है, दूसरी लाइन में ये इधर आई, तीसरी लाइन में ये इधर आई, यानी कि इसका उत्तर ये वाला नहीं होगा, इसका उत्तर ये वाला होगा, यहाँ ये रहेगी, ये वाला बिंदु इधर आएगा, तो इसका उत्तर हमारा सही होगा ए वाला, ठीक है। गौर करेंगे आप, पहली लाइन में ये बदली है, दूसरी लाइन में ये बदली है, तीसरी लाइन में फिर ये बदलेगी इधर, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, धन्यवाद।